हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्टडी एकेडमी। आई एम अजीत सिंह और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 11th क्लास इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा हॉर्नबिल बुक में से है। उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लीजिए कि आपका जो भी टर्म वन के अंदर सिलेबस क्या क्या आ रहा है, देख लेते हम एक बार जल्दी से। तो आपका जो सिलेबस एस वन के अंदर आ रहा है, उसमें आपका चैप्टर नंबर वन है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, चैप्टर सेकेंड आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, चैप्टर नंबर थर्ड डिस्कवरिंग टट द सागर कंटिन्यूस, एंड चैप्टर नंबर फोर आपका लैंडस्केप ऑफ द सॉल। ये चार चैप्टर आ रहे हैं। इसके अपार्ट जो कि आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा, आप फोटोग्राफ पोएम है, एंड द लंबर नम टॉप ये भी एक पोएम है। तो ऑल ओवर आपके चार चैप्टर और यहाँ से दो पोएम आपकी एस ए वन के अंदर आ रही है। अब स्टार्ट करते अपना चैप्टर। हाँ, तो ये चैप्टर हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह, इसके राइटर हैं। तो ये जो पोर्ट्रेट की बात की गई है लेडी की, एक्चुअली ये पोर्ट्रेट है ऑथर की ग्रैंड मदर का, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का। ऑल ओवर स्टोरी के अंदर जो मेन थीम है, यहाँ पे ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, और क्या क्या सिटी के अंदर होता है उनके साथ, क्या क्या विलेज के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप टू स्टेप दिखाई गई है। तो स्टार्ट करते अपना चैप्टर। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन, जो मेरी दादी माँ हैं वो सभी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत है। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 ईयर दैट आई हैड नो हर, कि मैं पिछले 20 सालों से जानता हूँ उन्हें, और तब से आज तक वो एक ओल्ड लेडी है और उनके फेस पर रिंकल है, मतलब कि झुर्रियाँ हैं। People said that she had once been young and pretty and had even a husband. लोग कहते हैं कि वो कभी यंग और खूबसूरत थी, कभी वो नौजवान और खूबसूरत थी, और उनके एक हस्बैंड भी थे। But that was hard to believe. लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। My grandfather's portrait hung above the metal piece in the drawing room. तो ड्राइंग रूम के अंदर एक फ्रेम में दादाजी का तस्वीर लगी हुई है वहाँ पे। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनका जो बेस्ट पार्ट है चेस्ट का, उसके छाती का, उनकी दाढ़ी की वजह से कवर हो जाता है, जो कि वाइट कलर की थी दाढ़ी उनकी। एंड ही लुक्ड एट द लीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और वो लगभग 100 साल बूढ़े दिखाई देते हैं फोटो के अंदर। ही डिड नॉट लुक अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई बीबी और कोई बच्चे होंगे। ही लुक एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे और बहुत सारे क्या होंगे, पोते पोतियाँ होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग एंड प्रिटी, और जहाँ तक बात है दादी माँ के खूबसूरत और यंग होने की, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये सोचना काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू बिलीव है मेरे लिए। इसका ऐसा मानना कि कभी वो यंग और प्रिटी रही होगी, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक असंभव या कठिन सी बात मेरे लिए लगती है। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, कि वो हमें अक्सर बताती थी अपने बचपन के गेम्स के बारे में जो वो खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड and undignified on her part of we treated is like the fable of prophet she used to tell us, तो जब भी हमें वो बताया करती थी अपने गेम्स के बारे में, तो उन्हें खुद ही ये बेकार की चीज़ें लगा करती थी कि उनके टाइम के गेम उनके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उनके लिए वेस्ट थे, हमें बताते टाइम उन्हें ऐसा फील होता था। बट हम लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया करते थे, और हमें ऐसा लगा करता था जैसे कि कोई हमें, जैसे फरिश्ते कोई मैसेज दे रहे हो, जैसे जो मौलवी या नबी जो होते हैं जो अच्छे लोग स्पीच देते हैं, तो वैसी स्पीच हमें लगा करती थी जब दादी माँ हमें वो स्टोरियाँ अपनी या गेम्स के बारे में हमें बताया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फिट स्लाइटली बैंड, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस और रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरी वेयर टू एवरी वेयर, दादी माँ हाइट में छोटी थी और थोड़ी सी मोटी एंड स्लाइटली बैंड, थोड़ी सी झुकी हुई, जैसे बूढ़ी और झुक जाती है उम्र के बाद, तो वैसे झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, उनके पूरे चेहरे पर क्रिस क्रॉस करके झुर्रियाँ थी इधर से उधर जो कि जाती हुई। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन
एज वी हैड नोन हर, कि जब से हम लोगों ने देखा है वो ऐसे ही दिखाई देती हैं, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी, सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसा लगता है कि पिछले 20 सालों से वो इसी एज में रुकी हुई हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, शायद वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन हमेशा से वो एक सुंदर रही। अब देखो यहाँ पे वर्ड कहा गया कि वो सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी वो खूबसूरत है, तो सुंदर उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी के कहा गया है, मतलब कि देखने में इतनी सुंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है फेस उनका, बट उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, बहुत ही ज़्यादा वो ब्यूटीफुल है, तो इस सेंस में कहा गया है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि दादी माँ भी प्रेटी तो नहीं थी बट वो ब्यूटीफुल थी, तो किस सेंस में हमारे ऑथर ने ये बात कही है, तो यहाँ पे सेंस है उनके बिहेवियर, उनके नेचर को लेकर के ऑथर ने उन्हें ब्यूटीफुल कहा है। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी। तो होबल्ड का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, मतलब कि बुजुर्ग लोग रुक रुक के चलते हैं, एक पैर रखते हैं फिर रंगड़ा करके चलते हैं, तो इस मूवमेंट को हम होबल्ड कहते हैं। तो दादी माँ भी पूरे घर के अंदर लड़खड़ा के चलती थी। अब वो स्पॉटलेस वाइट का मतलब क्या हुआ, स्पॉटलेस वाइट का कि वो पूरे के पूरे वाइट कपड़े पहना करती थी, क्योंकि वो एक विडो थी, विधवा औरत थी, तो इस वजह से वो पूरे वाइट पहना करती थी। तो कहा गया है स्पॉटलेस वाइट ड्रेस के अंदर पूरे के पूरे घर में वो मूवमेंट करती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका एक हाथ उनकी कमर पर होता था, टू बैलेंस अ स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी। एक हाथ उनका कमर पर इसलिए ताकि वो बैलेंस बना सके, और दूसरे हाथ पे उनकी माला होती थी जिसे वो जाप किया करती थी। देखा होगा आपने बुजुर्गों को हाथ में माला जाप करते हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर फेस, पकड़ फेस। तो सिल्वर लॉक्स का मतलब उनके जो हेयर थे वाइट थे, जो सिल्वर कलर के दिखाई दे रहे थे, तो वो स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, अनटाइटली मतलब बिना बंधे या इधर उधर, तो काफ़ी ज़्यादा वो उनका फेस में जो बाल थे वो बिखरे होते थे। पेल का मतलब उनका फेस, ठीक है, तो उनके पूरे चेहरे पर उनके जो वाइट कलर के जो हेयर थे वो फैले होते थे और उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा झुर्रीदार था, ठीक है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे हमेशा पढ़ते रहते थे या उनका मूवमेंट होती रहती थी इन ऑडिबल प्रेयर करने पे, ऐसी प्रेयर जो कि बोलते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति उन्हें कोई सुन नहीं पाता था, ठीक है। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर है। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो ऐसे लगती हैं जैसे कि आपका विंटर में एक लैंडस्केप। ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पर कि सर्दियों में एक बर्फ़ की लेयर चढ़ जाती है किसी पहाड़ी के आसपास, तो उसी तरीके से एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, तो उसी तरीके से ऐसा एक एटमोसफियर उनके पूरे उन पर दिखता है। कैसा, जैसा कि वाइट कलर की लेयर एक किसी माउंटेन पर होती है, तो दादी माँ को देख के लगता है कि वो सर से लेके पैर तक बिल्कुल वाइट है, ठीक है, क्रिस्कोस रिंकल है और बहुत ज़्यादा शांति भरा, तो काफ़ी ज़्यादा शांति है उनके, और पूरी की पूरी तरीके से वो बिल्कुल एक लाइक जैसे बताया गया ना यहाँ पे कि लैंडस्केप इन द माउंटेन, तो इस चीज़ ये दादी माँ के ऊपर यहाँ पर दिखाया गया है। कैन एक्सपेंस प्योर वाइट सैनिटी ब्रीथिंग पीस ऑफ कंटेनमेंट, तो पूरी शांति और पूरा का पूरा एक तरह का सन्नाटा टाइप उन दादी माँ के ऊपर दादी माँ के बारे में यहाँ पर कहा गया है। आगे बात करते हैं इसमें, माई ग्रांड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वैन टू लिव इन द सिटी, कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा जो अतर के हैं, वो शहर में रहते हैं, और क्या नाम है, इसलिए जो दादी माँ और ऑथर है वो अब विलेज में एक साथ रहते हैं और काफ़ी टाइम से एक साथ हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे रोज़ाना सुबह जगाती हैं और स्कूल के लिए तैयार करती हैं। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट, कि वो रोज़ाना जब मुझे रेडी करती है मॉर्निंग में स्कूल के लिए, तो वो सॉन्ग प्रेयर गाती है, मतलब एक अच्छे मोनोटोनस का मतलब क्या होता है हमारा, अजीब तरीके से, मतलब बोरिंग तरीके से वो क्या करती हैं, प्रेयर गाती हैं, और उनकी एक विश होती है, एक इच्छा होती है
कि जो वो प्रेयर गा रही है तो वो प्रेयर हमारा ऑथर भी सीखे, मतलब कि वो उसको बाय हार्ट करे, मतलब कि उसे सीखे। तो इस ये सोच करके जब भी दादी माँ उसे रेडी करती है ऑथर को, तो उन्हें क्या करती हैं, प्रेयर सुनाती ताकि ऑथर भी उस प्रेयर को सीख सके। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, हाँ मैं उसे सुनता हूँ क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ अच्छी लगती है। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न, लेकिन कभी भी उसे सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी शुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। देन वो मुझे क्या देती हैं, वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट देती हैं जिसे उन्होंने पहले ही वॉश कर रखा था, साफ कर रखा था, और उस पर एक प्लास्टर चढ़ा रखा था, एक लेयर चढ़ा रखी थी येलो चॉक की। अ टाइनी इदन पोट एंड अ रेड पैन, टाई दैम ऑल इन अ बंडल देन हैंड इट टू मी। उसके बाद मुझे इंक इंक पोट और रेड पैन सारी चीज़ें एक ही बंडल में बांध करके मुझे वो देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। देन उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट की बारी आती थी जिसमें हमें स्टील चपाती, मतलब कि रात की रोटियां या बासी रोटियां मिलती थी, जिस पर बटर लगा होता था और शुगर छिड़का होता, शुगर मतलब चीनी वगैरह उसमें डाली होती थी। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स का कि वो लोग क्या ईट करते थे ब्रेकफास्ट में, तो उनका आंसर होगा हमारा थिक स्टील चपाती विद बटर एंड शुगर। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, फिर देन सी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग। अब वो स्कूल जाते हुए क्या करती थी, कुछ बासी रोटी और लेती थी ताकि वो गांव के डॉग्स थे उनको वो खिला सके। अब आगे क्या होता है, स्कूल की बारी आ गई हमारी। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, अब दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। अब दादी माँ क्या करेंगी स्कूल जा करके, अगर देखो क्वेश्चन आता है कि दादी माँ क्यों जाती थी, तो लिखा आंसर भी आगे, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो भी अटैच था किसी के साथ, आपका टेम्पल के साथ में। तो दादी माँ पूजा पाठ के लिए जाती थी और वो पढ़ने जाता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, प्रीस्ट मतलब पुजारी, जो वहाँ पे टीचर या जो भी पुजारी रहे होंगे वो बच्चों को अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन द रो ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट ऑफ द प्रेयर इन अ कॉरस, तो क्या करते थे, सभी बच्चे लाइन से बैठ करके वरांडे में क्या कर करते थे, अल्फ़ाबेट और प्रेयर एक ही साथ गाया करते थे। माई मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और वहीं अंदर ही दादी माँ क्या करा करती थी, अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर मतलब कि हमारी जो ग्रंथ वगैरह हो गई, हमारी जो भी कहते जो पवित्र किताबें होती वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों काम खत्म हो जाता था, we would walk back together, और एक साथ हम वापस आ जाते थे। अब वापसी के टाइम में, this time the village dog would meet us at the temple door, they followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। अब वापसी के वक्त में जो डॉग्स भी हमारे साथ हमें दरवाजे के पास ही मिल जाते थे मंदिर के, और वो हमारा पीछा करते थे, कैसे, ग्रोलिंग करते हुए, जो गुर्राने की आवाज़ होती कुत्ते की डॉग्स की, उसे ग्रोलिंग कहते हैं। और फाइटिंग, फाइटिंग मतलब लड़ाई झगड़ा टाइप, किसी चीज़ को खाने को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते। तो वो झगड़ा क्यों करते थे, लड़ाई क्यों करते थे डॉग्स, क्योंकि जो दादी माँ रोटियाँ डाला करती थी तो वो मस्ती करते हुए ग्रोलिंग करते हुए एक दूसरे से रोटी झपटा करते थे, तो इस वजह से वो फाइटिंग वगैरह भी करते थे, जो रोटी हम लोग फेंकते थे उनके लिए। वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, ये अगला स्टैंजा चेंज आता है थोड़ा सा इसमें, देन सेंड फॉर अस, जब हमारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स क्या हो गए, सेट हो गए कहाँ पर, शहर के अंदर, तब उन्होंने हमें बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट था दोनों के बीच में, दादी माँ के रिलेशन का और ऑथर के बीच का जो रिलेशन था, यहाँ से टर्निंग पॉइंट, यहाँ के पॉइंट में चेंज आ गया। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, बट अभी भी वो सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, बट अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। बिकॉज आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था जहाँ पर स्कूल की बस आती थी मुझे पिक करने के लिए। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट
एंड सी लुक द फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड फॉर आवर सिटीज हाउस। तो भाई अब यहाँ से क्वेश्चन आ, दादी माँ क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि वो एक बस से जाता था और इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। अब यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे अलग जो थी शहर के अंदर, कि वहाँ की गलियों के अंदर डॉग्स नहीं थे जिन्हें दादी माँ खिला सके। तो इसके बदले रिकवर करके उन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट कर दी, वो थी स्पैरोस को ब्रेड खिलाना, रोटियाँ खिलाना, गांव के सॉरी शहर के जो उनका कोर्टयार्ड था, आंगन था। देन क्या हुआ, एज द ईयर ओल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता रहा, साल बीतते रहे, हमारा एक दूसरे से देखना या मिलना थोड़ा सा कम होता रहा। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। काफ़ी दिनों तक वो मुझे जगाती थी स्कूल के लिए और मुझे तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। कि जब मैं वापस आता था तो मुझसे पूछा करती थी कि आज टीचर ने आपको क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैंने बताया करता था इंग्लिश के वर्ड और जो वेस्टर्न साइंस की चीज़ें, जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं उसकी चीज़ें, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज थ्योरी प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की दुनिया गोल है, इस तरह की चीज़ें जो सिखाई जाती थी ऑथर को स्कूल में, वो सारी चीज़ें बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब क्वेश्चन आता है कि दादी माँ को अनहैप्पी क्या करता था? तो ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश चीज़ें पढ़ाई जाती थी, साइंस चीज़ें पढ़ाई, जो दादी माँ को ज़्यादा पसंद नहीं थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और साथ के साथ वो मेरी हेल्प भी नहीं कर पाती थी मेरे लेसन में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और उन्हें कोई खास विश्वास नहीं था, विश्वास इस बात पर नहीं था कि जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती वो अच्छी होती हैं। बिकॉज ऑफ एंड वॉज द डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। अब भाई क्यों होता था ऐसा? क्योंकि इंग्लिश स्कूल में भगवान और स्क्रिप्चर, मतलब कि जो हमारे ग्रंथ वगैरह होते हैं, उनके बारे में कोई भी ज्ञान, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं कराई जाती, इसलिए दादी माँ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी इस चीज़ से। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन, सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें क्या सिखाया जा रहा है, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा वो नाराज, डिस्टर्ब हो गई। क्यों? टू हर म्यूज़िक हर्ड ल्यूड एसोसिएशन। उनके हिसाब से जो म्यूज़िक है वो एक ल्यूड एसोसिएशन, एक ऐसा काम है जो कि कौन, मुजरे वाली या जो नाचने वाली जो लेडीज़ होती है, नाचने गाने वाले होते हैं, वो उनका काम होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट एंड बेगर्स एंड नॉट मीन टू द जेंटल फॉक्स। कि ये जो कामकाज होते हैं दादी माँ के हिसाब से, किसी सभ्य या एक सिंपल कॉमन मैन के लिए नहीं होते, बल्कि किसके लिए होते हैं, हार्लोट्स। हार्लोट्स कौन? मैंने बताया कि जो कि नाचते गाते हैं, मुजरा उजरा करते हैं, उन लेडीज़ के लिए कहा जाता है, और भिखारियों के लिए कहते हैं कि वो नाचने गाने वाले और भिखारियों के लिए ये म्यूज़िक होता है। एंड नॉट मीन टू द जेंटल फॉक, और ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंट मीन डिसअप्रूवल। उन्होंने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी शांति इस बात को बताती है कि उन्हें ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है। सी रियरली टॉक मी आफ्टर दैट, और इसके बाद से उन्होंने मुझसे बात करना बिल्कुल कम कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब थोड़ा सा और उथर बड़ा होता है, अब बारी आती है उसके यूनिवर्सिटी जाने की। तो जब वो यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, कि मुझे अपना एक अलग कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बट स्नैप वॉज स्नैप्ड। अब उनके बीच जो कॉमन लिंक था, कौन सा, कमरे वाला, वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद द रेजिग्नेशन। अब आखिरकार चाहते ना चाहते दादी माँ को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि हम अब अलग कमरे में रहेंगे, उस चीज़ को उन्होंने स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। वो बड़ी ही मुश्किल से अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी, मतलब कि उन्हें चरखा चलाने की आदत हो गई थी, तो वो बैठे बैठे वहीं पर पूरा दिन काम अपना टाइम स्पेंड करती थी और बहुत ही मुश्किल से किसी से बात किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील्स, सॉरी आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल, सॉरी यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस हो गया। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रीसेटिंग प्रेयर। कि सुबह सूरज निकलने से शाम सूरज ढलने तक वो क्या करती थी, अपना स्पिनिंग वगैरह, अपना जो व्हील था वो क्या है, तो चरखा चलाती थी और प्रेयर अपना गाती रहती थी या रिसाइटिंग, मतलब कि बोलती रहती थी।
ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल फॉर फीड द स्पैरो। बस शाम के समय थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करती थी जब वो चिड़िया को जो स्पैरोस थी उनको खिलाती थी। वाइल सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू द लिटिल बिट्स। और तब वो क्या किया करती थी, बरांदा में बैठ करके छोटे छोटे ब्रेड्स तोड़ा करती थी, रोटियां तोड़ा करती थी, किसके लिए, बर्ड्स के लिए। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल वैंडलम ऑफ द चर्पिंग। अब कई सौ बर्ड्स आया करते थे और इकट्ठा होकर के वहाँ पे एक वेरिटेबल वैंडलम, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ही ज़्यादा क्या, बहुत चहचहाने की आवाज़ जब आती थी तो बहुत ज़्यादा चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ आती थी, तो इसी को कहा गया वेरिटेबल वैंडलम ऑफ चर्पिंग। सम कम आफ्टर परचेज ऑन परच ऑन हर लैग, कुछ तो उनके पैर पे आके बैठ जाते थे। अदर ऑन हर सोल्जर, कुछ उनके कंधे पे आकर के। एंड सन इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पर आकर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, हमेशा वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी दादी माँ ने उन्हें भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके पूरे दिन का आधे घंटा काफ़ी ज़्यादा खुशी भरा होता था उनके लिए, सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था उनके लिए। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। हम इसी के साथ आगे बढ़ते अपना, तो आगे देखते हैं कि अगला फेज क्या है हमारे स्टोरी का। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो ऑथर यहाँ पे क्या है कि अब उसे फर्दर स्टडी के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड मतलब कि विदेश जाना है। तो बताता ऑथर कि व्हेन आई डिसाइड, कि जब मैंने तय किया गो टू अब्रॉड विदेश जाने का अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रांड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ ये सुन करके क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मुझे 5 वर्षों के लिए वहाँ जाना है। एंड एट द हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मीन कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि कब उनकी डेथ हो जाए पता नहीं चलेगा। बट माई ग्रांड मदर कुड, शायद लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उनको इन्हें जरा सा भी दुख नहीं था इस चीज़ का। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई लेकिन उन्होंने मुझे कोई बात नहीं करी और ना कोई इमोशन प्रेजेंट करे मेरे सामने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनके होठों पर अभी भी प्रार्थना चल रही थी और वो उनका पूरा का पूरा ध्यान प्रार्थना की ओर था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, और अभी भी वो उनके हाथ में माला थी और उसी में उनकी फिंगर मूव ऑन कर रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो बहुत शांति के साथ उन्होंने मेरे माथे पर किस किया और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद आई थिंक ये लास्ट हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा दादी माँ और मेरे बीच का, बट दैट वॉज नॉट सो, बट ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर आई कैम बैक एंड वॉज मेट माई हर एट द स्टेशन, कि 5 सालों बाद वापस आया मैं घर अपने और देखा कि स्टेशन पर अभी भी दादी माँ खड़ी हुई थी। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन और बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब कि जितनी वो 5 साल पहले बूढ़ी थी उतनी ही बूढ़ी आज भी दिखाई देती हैं। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, अभी भी उनके पास बात करने का कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लास्प इन मी हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और जब उन्होंने मुझे क्लैप्स मतलब कि गले लगाया तो मैंने सुना कि अभी भी वो प्रार्थना वगैरह कर रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑन माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मूवमेंट वर विद द स्पैरो हु सी फेड लॉन्गर एंड द फ्रीवोलस रेब्यूक्स। तो यहाँ पे हुआ क्या था, मेरे पहले दिन से लेकर अभी तक जो दादी माँ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था शहर के अंदर सिटी के जो उनका घर था, स्पैरो को खिलाना, स्पैरो को दाना वगैरह डालना, और साथ के साथ वो इस टाइम को काफ़ी ज़्यादा करने लगी। पहले स्टार्टिंग में वो आधे घंटे करती थी, अब यहाँ आकर के कहीं ना कहीं उन्होंने इसका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। और साथ के साथ वो फ्री वोलस रिबुक्स, इसका मतलब होता है गाली गलोच देना, बट यहाँ पर इसका मीनिंग है कि दादी माँ उन्हें खिलाते हुए डांटा भी करती थी, कि बर्ड से बात करती थी। लाइक इन दिस इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर,
लेकिन आज शाम एक चेंज आया उनमें, सी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही। पूरी पूरी स्टोरी हमने देखा कि पूरी स्टोरी में वो प्रे कर रही है, बट ये ऐसा मोमेंट है जहाँ पे वो प्रे नहीं कर रही है। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना ढोलक ड्रम लिया और गाना गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड सी द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। तो उन्होंने क्या किया कि घंटों तक वो ड्रम को बजाती रही, तब वो जो ढोलक थी उसे घंटों तक बजाती रही, और जिसकी वजह से उसके शेप में चेंज आ गया। एंड सिंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो जो गा रही थी गाना, वो सॉन्ग था जैसे वॉरियर्स लड़ाई करके वापस आते, जैसे हमारे आर्मी के सोल्जर वगैरह होते, तो उससे रिलेटेड जो सॉन्ग होता है वो गा रही होती है। वी हैड टू परस्यूड हैड टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग्स। ओवर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, थकान वगैरह, मतलब जब भी कोई हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारे क्या होती है, एक्स्ट्रा थकान वगैरह हो जाती है, जैसे ओवर ट्रेनिंग कहा गया यहाँ पर। तो हमने उन्हें रोका, किस लिए कि दादी माँ बस कीजिए कि आपके इस तरह की एक्टिविटी से आप क्या हो सकता है आपको थकान हो या बीमार पड़ जाओ आप। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, कि ये पहली दफ़ा था जब उनको मैंने प्रे करते हुए नहीं देखा था। वरना जनरली पूरी स्टोरी के अंदर हमने देखा कि दादी माँ हर टाइम प्रे करती रहती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज इल, अब मना किया था उन्होंने कि मत करिए दादी माँ, आप बीमार पड़ जाएंगी, और आखिरकार अगले दिन दादी माँ बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड बी कू, कि डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा बुखार है और ये चला जाएगा। बट ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी माँ कुछ अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कह दिया कि उनका अंतिम समय बहुत पास है। सी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी डिडेंट ओमिटेड टू प्रे, जब उन्होंने कह दिया कि मेरा लास्ट अंतिम समय है और मेरे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं अपने जीवन के, और अंतिम अध्याय में, जीवन के अंतिम चरणों में मैं क्या करना चाहती हूँ, अपना ध्यान प्रेम लगाना चाहती हूँ। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी अब हमसे बात करने में, और उन्होंने अपना सारा ध्यान कहाँ पे कर लिया, प्रे की तरफ। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, हमने उन्हें मना किया, प्रोटेस्ट किया कि दादी माँ नहीं आप ठीक हो जाएंगी, बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट पर कोई भी क्या ध्यान नहीं दिया, हमें इग्नोर करते हुए। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, वो बेड पर लेट गई और प्रार्थना स्टार्ट कर दी उन्होंने, और साथ के साथ अपनी माला जाप उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, जब तक कि हम कुछ समझ पाते, जब तक हमें कुछ सस्पेक्ट हो पाता, उनके लिप्स रुक गए, उनके होंठ रुक गए, और उनकी जो रोजरी थी, जो माला थी, वो नीचे गिर गए जमीन पे, उनकी लाइफलेस फिंगर, उनकी उंगलियाँ बेजान हो गई। अ पीसफुल पिलर स्पर्ड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, अब एक शांति भरा माहौल उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था, और इससे हमें पता चल गया कि अब दादी माँ मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज द कस्टमरी, जैसे एक रिवाज होता है कि डेड बॉडी को क्या किया जाता है, बेड वगैरह से उतार करके ज़मीन पर रख दिया जाता है, उसी तरीके से लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और उन्हें ज़मीन पर लिटा करके रेड कलर का कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया गया। After few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. काफ़ी देर, कुछ घंटों तक शोक मनाने के बाद, दुख जताने के बाद, हम लोगों ने दादी माँ की डेड बॉडी को वहीं छोड़ करके उनके funeral, मतलब कि अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए चले गए। In the evening, we went to her room with the crude stretcher to take her to be cremated. अब उन्हें आखिरकार लेकर जाना था कहाँ, शमशान घाट तक अंतिम संस्कार करने के लिए, तो हमें स्ट्रेचर मतलब कि सीढ़ी वगैरह की जरूरत थी, जो कि हमने उनके रूम में जाकर के देखी। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड इट लिट हर रूम एंड द वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो उनके रूम में क्या था, सन शाम का वक्त था और सूर्य ढल रहा था, तो उस समय क्या हुआ, पूरे कमरे में लाइट आ रही थी, पूरा कमरा जगमगा रहा था, चमक रहा था एक गोल्डन लाइट के साथ। वी स्टॉप
half way in the courtyard, all over the veranda, and in the her room. Right up the wear, she lay dead and the stiff wrapped into the red shroud. तो हम लोग क्या हो गए, हम क्या होते पूरे के पूरे बरामदे में यहाँ से लेकर कोटी यार्ड तक हम क्या हो गए, आधे रास्ते में रुक गए. ऑल ओवर द बरामदा, उनके बरामदे से लेकर के उस कमरे तक जहाँ पर दादी माँ को रखा गया था, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में क्या थे, स्पैरोस बैठे हुए थे. देयर वॉज नो चर्पिंग, और कोई भी चर्पिंग का साउंड नहीं सुनाई दे रहा था. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था उन स्पैरोस के लिए, और इसके लिए मेरी मदर ने क्या किया, उन्हें ब्रेड के पीसेस क्या कर दिए, तोड़ करके दे दिए. सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी. एंड थ्रू इन टू इन इट टू दैम, और ये उनके सामने फेंक दिए टुकड़े. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब उन स्पैरोज ने कोई भी नोटिस नहीं किया उन ब्रेड के टुकड़ों पर, रोटी के टुकड़ों पर. वैन बी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब दादी माँ के शव को उठा के ले गए वो लोग, तब वो सारे के सारे जो स्पैरोज थी वो शांति के साथ वहाँ से फ्लू अवे हो गई, मतलब कि उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्ब इन टू द डस्टबिन, अगले दिन सुबह जो स्वीपर आया और उसने उस ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में उठा करके रख दिया. आई होप आपको स्टोरी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी. स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से बताया गया, लास्ट में थोड़ा सा इमोशनल कर दिया गया है स्टोरी के अंदर. तो ऑल ओवर स्टोरी के अंदर आपको चार पांच फेसेस देखना है. पहले फेस में हमने देखा था कि विलेज के अंदर स्टार्टिंग में उनका इंट्रोडक्शन दिया गया, दादी माँ कैसी थी, दादाजी का फ़ोटो कैसा था. सेकंड स्टैंजा में बताया गया किस तरीके से वो लोग स्कूल जाते थे, दादी माँ प्रेयर करती थी वो वहाँ पर, और वो स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ा करती थी. साथ के साथ जो ऑथर था हमारा वो अल्फ़ाबेट एंड प्रेयर सीखा करते थे. सेकंड सीन के अंदर हमने देखा कि जो ऑथर के फादर होते हैं, मदर होती हैं, वो इन्हें सिटी बुला लेते हैं. देन उसके बाद वो आने के बाद यहाँ पर अपने सिटी स्कूल में जाते हैं जहाँ उन्हें इंग्लिश स्कूल में भेजा जाता है, और वहाँ पर उन्हें म्यूज़िक वगैरह और इंग्लिश चीज़ें सिखाई जाती हैं जो दादी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि दादी माँ को म्यूज़िक पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ये लिव्ड एसोसिएशन लगता था. देन जैसे जैसे हमारे ऑथर बड़े हो रहे थे वैसे वैसे दादी माँ उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा था. और फाइनली जब वो अब्रोड गए, उससे पहले उनका रूम भी सेपरेट हो गया था जो उनके बीच का कॉमन लिंक था. देन अब्रोड गए 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के बाद जब वापस आए तो कुछ दिनों मतलब उसी नेक्स्ट डे शाम को ही क्या हुआ, दादी माँ की डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग, कि वो जब बहुत ज़्यादा क्या कर लेती हैं, ड्रम वगैरह बजा देती हैं, उनकी तबीयत ख़राब होती है और उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाता है कि वो डेथ होने वाली उनकी. एंड फाइनली क्या होता है, दादी माँ की डेथ हो जाती है. और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आ सकता है लास्ट पैराग्राफ में से, वो है बर्ड्स के ऊपर, जो स्पैरोस थी किस तरीके से उन्होंने अपना दुख जताया दादी माँ के मरने पर, ये क्वेश्चन भी पेपर में आपका आ सकता है. साथ के साथ ग्रैंड मदर का जो करेक्टर स्केच है वो भी आपका पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है. और उनके बीच जो कॉमन लिंक था रूम का, उसके बारे में भी हो सकता है. देन इसके बाद एक डिफरेंस भी आ सकता है कि सिटी का जो स्कूल था वो कैसा होता है, एंड आपका जो एक विलेज का स्कूल होता है वो क्या था. तो दोनों में डिफरेंसेंसी का क्वेश्चन भी आ सकता है. तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना. थैंक यू.